हेलो गाइज, एंटोर का एक डिसएडवांटेज बताता हूँ। तो एंटोर का जो डिसएडवांटेज है, 2021 रेस एडिशन, तो इसमें मैंने एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा नोटिस किया है और फील करी, इसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। जो आपका है इसमें वाइब्रेशन की, इसमें ज़्यादातर एंटोर्क में ही ज़्यादा वाइब्रेशन की प्रॉब्लम आएगी। और एंटोर्क में वाइब्रेशन की जो प्रॉब्लम आएगी, जो मेन कारण है इसका, क्लच रेडिएटर। इसका जो क्लच रेडिएटर होता है, यहाँ पर होता है। तो क्लच रेडिएटर क्या काम करता है? आपका गाड़ी आगे मतलब पुश करने के लिए होता है, मतलब जब आप थ्रॉटल देते हो। तो इसमें ऐसा है कि आपको कुछ नहीं करना सर्विसिंग में, जैसे सर्विस होती है आपकी, जैसे सर्विसिंग का टाइम होता है, तो कभी भी होता है, तो आपको जब लगे कि हाँ भाई, मतलब इसका क्लच रेडिएटर, उसमें जो रोलर रोलर होते हैं, रोलर में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, उसी से ज़्यादा वाइब्रेशन आती है। तो आपको कुछ नहीं करना, खाली आप शोरूम सर्विस सेंटर जाइए और इसका जो क्लच रेडिएटर है उसमें ग्रीसिंग करवानी है। ग्रीसिंग करवाने के बाद इसका जो, फिर इसकी थ्री वॉल है यहाँ पर, इसमें आपका एयर फिल्टर रहता है। तो अगर आपको ज़्यादा कॉस्टली ना लगे तो एयर फिल्टर भी चेंज कर सकते हैं। मेनली एयर फिल्टर माइलेज में भी प्रॉब्लम आता है। अगर एयर फिल्टर में भी थोड़ा मतलब गंदा हो या एयर फिल्टर ख़राब हो जाए तो माइलेज में भी प्रॉब्लम आती है। बाकी जो मेरे को आपको बताना था वो मैंने आपको बता दिया, और जैसा मेरे को फील हो रहा है इसको चलाते टाइम या इसको भगाते टाइम, तो मैंने इसका वही जो नोटिस किया, इसका क्लच ही ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है। तो मैं जैसे स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर होती कट कट आवाज़ आती है इसके, जो यहाँ पर इंजन है, तो इसको ठीक करा के, ग्रीसिंग करवा के, तो आप इसमें वाइब्रेशन कम कर सकते हो। वैसे सारी स्कूटियों में ही होता है, बट एंटोर्क में ज़्यादा ही वाइब्रेशन है, इसलिए बोल रहा हूँ आपको। तो जैसा आपको फील हो तो आप कर सकते हो।